मैनेजर हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटीवन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड 19 रोकथाम, पंचायत चुनाव व आगामी दोहा को सकुशल संपन्न कराए जाने पर की चर्चा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रधान मुख्य वन संरक्षण पहुंचे अक्षपाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, तैयारियों का संबंधित अधिकारियों के साथ लिया जायजा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की जन सुनवाई। 15 करोड़ की संपत्ति को धोखे से 2 लाख दर्शाकर महज 10,000 रुपए में एग्रीमेंट कराने वाले अभियुक्त को कैन थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। आबकारी विभाग की टीम ने रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर 35 लीटर अवैध कच्ची शराब, 3,000 किलोग्राम लहन नष्ट कर 3 अभियुक्तों के खिलाफ की कार्रवाई। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से राजस्व बढ़ाए जाने पर लंबित मामलों को निस्तारित किए जाने के लिए निर्देश। ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित मशरूम व्यवसायी के 1,07,000 रुपए वापस आने पर पीड़ित ने साइबर अपराध थाने की टीम को किया धन्यवाद ज्ञापित। DPRO ने दी जानकारी, कहा आरक्षण सूची से संबंधित समस्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 24 व 25 मार्च को सूची किया जाएगा जारी। 27 व 28 मार्च को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद ने संबंधित अधिकारियों से कहा डिफॉल्टर गेहूं क्रय केंद्रों पर की जाए कार्रवाई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 39 में नाले की सफाई और स्लैब लगवाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। DBNPG में अर्थशास्त्र विभाग में एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। और लुइस गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ समापन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड 19 रोकथाम, पंचायत चुनाव व आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि तेजी से बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों पर गंभीरता से नजर बताते हुए जांच की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए, वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाए, साथ ही पंचायत चुनाव के तहत सारी तैयारियां कर आगामी होली पर्व को सकुशल संपन्न कराया जाए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, GDA VC आशीष कुमार, CGO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाकी EFC में रिवाइज कॉस्ट करीब 38 करोड़ 65, तो वो अप्रूव हो गया है, तो ये स्मार्ट सिटी या किसी और मर्सी के दे देंगे। क्योंकि कमर्शियल का था तो उसमें कुछ कुछ विशेषताएं भी चेंज हुई थी, तो अब सर हमारा सर कॉन्ट्रैक्ट सर मेन सिविल वर्क का टेंडर रनिंग में है सर, वो हम तेजी से करवा लेंगे। एक टेंडर का योजना आपकी 3 साल पुरानी योजना है, 3 साल चल रही है सर। नहीं सर, ये बड़ा प्रोजेक्ट है सर, थोड़ा समय लगेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अगर स्पीड फास्ट इसका लैंड रिलेटेड कोई नहीं, इसमें अगर आपका ऊपर आ गया एक बार आपका साथ डाल के आपको सब बता दिए आपके जो फाइल्स जैसे 33% हो गई है अगर, तो ये तो मैं दिसंबर 21 में पहुंच सकता। आगामी 27 मार्च को जनपद वासियों को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की सौगात देंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर गोरखपुर पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षण पवन शर्मा ने उच्च अधिकारियों के साथ प्राणी उद्यान का निरीक्षण कर छोटी मोटी खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बता दें कि 121 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में स्थित यह प्राणी उद्यान लगभग 234 करोड़ की ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है।
प्राणी उद्यान में मुख्य आकर्षण का केंद्र है 7D थिएटर और तितली घर है, जो प्रदेश में अन्य किसी भी प्राणी उद्यान में नहीं है। वहीं अभी तक 154 से ज्यादा विभिन्न जानवर प्राणी उद्यान में आ चुके हैं और विभिन्न प्रकार के 387 जानवर इस प्राणी उद्यान में रखे जाएंगे। शेष बचे जानवरों को भी जल्द ही प्राणी उद्यान विभाग आम जनमानस के बीच ला देगा। वहीं लोगों के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए 2 गोल्फ कोर्ट, 14 सीटर बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी मौजूद रहेगी। साथ ही जल्द ही प्राणी उद्यान में टॉय ट्रेन के माध्यम से दर्शक विभिन्न बाड़ों में पहुंचकर जानवरों को करीब से देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, CDO इंद्रजीत सिंह, DFO अविनाश कुमार सहित कार्यदायी संस्था के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। ये बताओ कि दो तो आपकी जो बसेज आ गई हैं सर, है ना, बसेज की कार है वो ऑपरेटर वे वाला, है ना, वो कार की ना, दो कितने आप खड़ी है, कलर की है सर, खड़ी तो वो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, एक दो और मंगवा लेते हैं हम, मंगवा लीजिए, ताकि जल्दी हो जाएगा ना, फिर बाकी लोग पैदल पैदल जाएंगे उसके लिए। कुछ नहीं, हम लोग तो पैदल इधर उधर, हम लोग बताने के लिए आपसे जाएंगे। नहीं, राजा कौन रहेगा, हर एनक्लोजर में एक है सर, ब्रीफ करने वाले बंदा है, हाँ वो रहे, वो तो रहेगी, वहाँ रहेंगे, लेकिन एक अधिकारी साथ कंपनी और ये यहाँ पर आपकी कैंटीन कहाँ होगी, लास्ट इसके बाद ये इधर से आप ले जाके राउंड लगा के लाएंगे पूरा यहाँ पर, इसके बाद पानी वानी नहीं भरा होना चाहिए, तो डायरेक्टर जो बैठेंगे ना, हाँ तो यहाँ तो आपको बढ़िया सर्विस ले रही है, छोटे जो भी ऑपरेटर किए उन्होंने जगह जगह नहीं पसंद कर, जो भी आपके नाम से हम फॉलो करते हैं पूरा को ज़्यादा, बाकी तीनों जनपदों के अच्छा लगता है। वर्षों की तपस्या के बाद अब जनपद वासियों को शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान की सौगात योगी सरकार देने जा रही है। आगामी 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां से जनपद वासियों को प्राणी उद्यान की सौगात देंगे। 121.34 एकड़ में फैले इस प्राणी उद्यान में वो तमाम चीज़ें होंगी जो बड़े बड़े जू में देखने के लिए लोग बाहर जाते थे, अब वह आनंद अपने गोरखपुर में ही उठा पाएंगे। वहीं सबसे खास यहां पर है 7D थिएटर, जो कि पूरी तरीके से जंगल का लुत्फ लोग थिएटर में बैठ कर उठाएंगे और बाकायदा उसमें जो कुर्सियाँ लगी हैं वो काफ़ी आरामदायक हैं, लोग आराम से उस पर बैठ के जो जंगल में जिस तरीके से आवाज़ें होती हैं, जानवर दिखाई देते हैं, जो झरने गिरते हैं, वो सारे आनंद उनको उसी थिएटर में मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर एक तितली घर भी बनाया गया है, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तितली घर है और यहाँ पर जो तितली रहेंगी वो प्रजनन भी करेंगी और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य भी करेंगी। साथ ही यहाँ पर कुल लगभग 387 जानवर रखे जाएंगे और उन जानवरों को देखने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश ही नहीं देश के अन्य जगहों से भी लोग यहां पर आएंगे और यहां के टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे और सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। TT1 चैनल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक श्रीवास्तव के साथ निखिलेश प्रताप सिंह। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षण पवन शर्मा व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया। के लिए बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर प्राणी उद्यान के उद्घाटन का तारीख जो है निश्चित कर दी गई है। गोरखपुर प्राणी उद्यान ये वास्तव में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, इसमें वेटलैंड, इसमें वुडलैंड और एनिमल्स का एक बहुत ही उत्तम ये स्थल होगा उनके सभी के लिए और ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं बताना चाहूँगा कि इस चिड़ियाघर में एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम भी हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि गोरखपुर के आम नागरिकों के लिए ये सुविधा होगी कि वो चाहें तो जिस एनिमल को अडॉप्ट करना वो अडॉप्ट कर सकते हैं और
ऐसे नागरिकों को जो इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे उनको हम पुरस्कृत कराने का भी जो है कार्यक्रम इसमें रख रहे हैं। 151 प्रजातियों के वन्य जीव और पक्षी हमारे इस चिड़ियाघर में आ चुके हैं। 230 वन्य जीव और पक्षी लाने की पूरी योजना जो है हमारी स्वीकृत है भारत सरकार से। ये भी हमारा काम पूरा हो जाएगा बहुत ही जल्दी और मेरे को पूरी आशा है कि एक बहुत ही एक उत्तम कार्यक्रम जो है हम संचालित कर पाएंगे। देखिए, बहुत प्रतीक्षित ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो मुझे लगता है इस अंचल में नहीं है। मैं सिर्फ जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ और ये बहुत गर्व की विषय है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए और इस पूरे इस साइड जो हमारे 15-20 जनपद हैं वो, और मैं बिहार के नॉर्दर्न बिहार के जनपदों की बात कर रहा हूँ, नेपाल राष्ट्र के जनपदों की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा और PCCF सर हैं, ये लोग और डिटेल में बताएंगे कि ये बड़ा यूनिक चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है, जिसमें आपके पास 35 एकड़ के लगभग जो है वेटलैंड है, वुडलैंड है, और बहुत कम चिड़ियाघर में भारतवर्ष के होता है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ के जनमानस को लोकार्पित कर पाएंगे 27 तारीख को। और उससे भी बड़ा चुनौती जो है मुझे लगता है इसको मेंटेन करना है, यहाँ के वातावरण के हिसाब से जो पशु हैं उनको अडेप्ट करते हुए उनको एक ऐसा इकोसिस्टम देना है जिसमें बहुत अच्छा ये मेंटेन रहे, और इसमें जन सहभागिता होनी चाहिए, सबका दायित्व है, वो सभी दायित्व अपना निभाएंगे, ये हम लोग को सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आए हुए प्रमाण पत्रों की जन सुनवाई की गई। वहीं संबंधित अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई कर जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। लेकिन जो शासनादेश आया हुआ है सर उसमें, और जी जी सर, तो हमारा सर्टिफिकेट 1977-78 से भी तहसीलदार साहब ने जारी किया हुआ है और हमने जीओ दे दिया सर। बहुत हाईकोर्ट में सर मंडलायुक्त ने कहा सुनवाई की, मंडलायुक्त का आदेश लगाया हूँ मैं, ये सर हमारा ऑर्डर पास हुआ हमारे खिलाफ मंडलायुक्त और ठीक है हमारा ऑर्डर है। कैंट थाने की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने जालसाजी कर 15 करोड़ की संपत्ति को मात्र 2 लाख दर्शाकर 10,000 रुपए में एग्रीमेंट कराया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले मानसिक रूप से कमजोर ध्रुव कुमार गुप्ता का है, जिनकी 15 करोड़ के कीमत की संपत्ति को उनके मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर कैंट थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर के रहने वाले अंशुमान राम त्रिपाठी ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवा कर मात्र 2 लाख रुपए की संपत्ति दर्शाते हुए महज 10,000 रुपए देकर एग्रीमेंट करा लिया। इस संबंध में पीड़ित द्वारा कैन थाने में तहरीर दी गई थी, जिस पर कैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अंशुमान राम त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैन सुमित शुक्ला ने बताया, ये ध्रुव कुमार गुप्ता जी जो कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका एक बेशकीमती मकान था, एक अंशुमान राम त्रिपाठी हैं खुर्रमपुर के हैं, इन्होंने उनकी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए 2 लाख रुपए में एग्रीमेंट करा लिया और 10,000 रुपए देके मकान में नाम लिखवा लिया। उसी संदर्भ में ये ध्रुव कुमार गुप्ता जी के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 151/21 धारा 419-20-67-71 थाना कैंट में पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना ध्रुव कुमार गुप्ता जी की बात सही पाई गई, उसी संदर्भ में अंशुमान राम त्रिपाठी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आधार कार्ड भी नकली बनाया गया, बिल्कुल इन्होंने नकली बनाया गया, इसीलिए इसमें 420-67 की धाराएं भी लगाई गई हैं कि एक तो चीटिंग की गई, अलग बात है ऊपर से जो उसमें जो आधार कार्ड गलत है सब बनाए गए, इसीलिए 419-67-71 सभी धाराओं का समावेश किया गया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। होली व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद की आबकारी टीम ने परिवर्तन कार्य के क्रम में थाना रामगढ़ताल अंतर्गत फुलवरिया महेवा कठोर व अमृतानी में कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थानों की तलाशी कर लगभग 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 3,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है। वहीं 3 अभियुक्तों के ऊपर आबकारी अधिनियम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद कुमार मिश्रा, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 7 सहजनवा कृष्ण कुमार सिंह, आबकारी निरीक्षक परिवर्तन संगीता शिवेंद्र तिवारी, ऋतु प्रकाश चौधरी, साकेत राय, मनोज दीक्षित सहित बड़ी संख्या में आबकारी विभाग के जवान मौजूद रहे।
मैं बना रहा मारो भैया पाठक इधर से कहीं लगाइए हट 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 हम मार दी मार तू क्या करी कार जाती इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया आबकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है उसी के क्रम में आज की कार्रवाई की गई है थाना रामगढ़ताल क्षेत्र के अंतर्गत फुलवरिया में महेवा में और कठौर का जो एरिया है मुरतानी का वहाँ पर दबिश की कार्रवाई की गई है कुल 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है 3000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है और सुड्डू पत्नी राजकुमार निषाद दुर्गा देवी पत्नी सुड्डू निषाद और करमचंद पुत्र बलिकरण के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है सर लगातार कार्रवाई चल रही है आगे भी चलती रहेगी सर जी हाँ कार्रवाई जो है लगातार चलेगी जब तक जो है अवैध शराब जहाँ जहाँ भी अवैध शराब के संबंध में हम लोग को सूचना मिल रही है वहाँ वहाँ हम लोग जो है दबिश का कार्य कर रहे हैं सर जो लगातार जो बार बार छूट के आने के बाद भी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सब क्या कर रहे हैं कुछ लोग के खिलाफ हम लोग मुकदमा करा रहे हैं और जो है पुलिस भी उनको उनके खिलाफ जो है गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो है किया जा रहा है जैसे अभी तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कप्तान साहब के निर्देश पर जो है गंगेश्वरी कार्रवाई की गई है लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने मंडल आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ राजस्व को बढ़ावा देने और राजस्व वसूली को शत प्रतिशत करने पर चर्चा की चर्चा के दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व परिषद से जुड़े हुए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करते हुए राजस्व की वसूली को शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित राजस्व परिषद से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे आपका जिसका आपका फॉर्म 7 तैयार हो गया है उसका इमीडिएटली प्रकाशन जरूर करवा दीजिए बिकॉज प्रकाशन अनुमति लेना वो ठीक नहीं होगा और प्रेशर बाद में बहुत बढ़ जाएगा तो काइंडली जो आपके फॉर्म 7 तैयार हैं प्लीज कोई उठाता तो फोन तो ले जाते हैं अगर नहीं उठाता तो फिर ऐसे पेंडेंसी हो जाती है तो काइंडली इंश्योर योर नोडल ऑफिसर स्टेज इन टच विद 30% ऐसे मैप्स थे जिसमें और कुछ ऐसे थे जहाँ पे पेंडेंसी अभी भी रही थी क्योंकि वो बस किसी वजह से नहीं कोई विवाद नहीं था फिर भी अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा हमारे यहाँ उपलब्ध है 1,00,000 तक के कम्बो तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए रवि ट्रेडिंग कंपनी मोबाइल नंबर 9450144390 हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध नमस्ते मैं प्रिया मिर्जा आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 हाय मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 मैं हूं दिव्या दत्त हेलो गाइस मैं दिलजीत दोसांझ आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल हेलो एवरीबॉडी मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 हाय मनमीत हाय मनमीत विद मी ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आइए देखते हैं दिन भर
पादरी बाजार निवासी मशरूम व्यवसायी सुमन मिश्रा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को आर्मी कैंटीन का कर्मचारी बताते हुए 50 किलो मशरूम खरीदने के लिए कहा, जिसके बाद उस जालसाज द्वारा एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कराकर पीड़िता सुमन मिश्रा के खाते से 1,36,000 रुपए की धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से निकाल ली गई। पीड़िता की शिकायत पर जनपद की साइबर अपराध थाना की टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी से निकाली गई धनराशि में से 1,07,000 रुपए पीड़िता के खाते में वापस कराया गया। खाते में पैसे वापस आने पर पीड़िता सुमन मिश्रा ने अपने परिजनों के साथ साइबर अपराध थाना पहुंचकर टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बरामदगी में हमारे साइबर थाने के इंस्पेक्टर सूर्यवान सिंह और उनकी टीम का अहम योगदान रहा है। इनके और लगातार ये खुलासा करते रहे, इस टीम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आगे भी ये लोग अच्छा काम करेंगे और इसी प्रकार से लोगों के लिए जो है बेहतर काम। मेरे कार्यालय आए और इन्होंने बताई अपनी समस्या। ये 17 तारीख को भी आए थे और अपनी एप्लीकेशन दे गए थे। इनका पैसा 17 तारीख के लिए निकल गया था, 1,36,000 रुपये। ये मशरूम के व्यापारी हैं, तो मशरूम खरीदने के नाम पर एक आदमी ने आर्मी मैश का इंचार्ज बन के इनके लिए फ़ोन किया कि हमको मैश के लिए मशरूम लेना है और हमको 50 किलो मशरूम लेना है। तो उसने इनको ट्रस्ट में लेने के लिए 5 रुपये भेजे पहले इनके अकाउंट में, और वो 5 रुपये भेजे और कहा कि OTP आया होगा। OTP इन्होंने बता दिया गलती से, और OTP को जाते ही तत्काल इनके 80,000 रुपये निकल गए, और उसके बाद में बाकी पैसे निकल गए। और इन्होंने जब कंप्लेन की तो इनका पैसा सेम डे आ गया, ये लोग सेम डे इनके पैसे वापस हो गए। किलो मशरूम मांगा गया था आर्मी कैंटीन के नाम से, और 50 किलो मशरूम मांगने के लिए वो कहा कि पैसा डाल देंगे, आपके खाता नंबर अपना दीजिए, आपके खाते में पैसा डाल दूँ। हमने खाता नंबर अपना दिया, CC अकाउंट का गणेश मशरूम सेंटर का नाम है, तो उसमें वो खाते ने कहा उसमें पैसा नहीं जा रहा है, सेविंग अकाउंट का नंबर बताइए। तो दूसरे दिन बच्चे ने सेविंग अकाउंट का नंबर बता दिया, और बच्चे से कहा कि 10 रुपये हम डाल रहे हैं, एक OTP जाएगा उसको बता देना। अब बच्चा छुपट्टा तो समझ नहीं पाया, और उसने एक 10 रुपये डालकर एक OTP मांग लिया, जिससे 87,000, 19,999, 19,999, 2695 रुपये हमारे खाते से निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 27 व 28 मार्च के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK मल की अध्यक्षता में गोरखपुर क्लब में बैठक की गई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा करते हुए COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन कराने की बात कही गई। बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, डॉक्टर CM सिन्हा, हरिप्रसाद सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रांतीय मंत्री व्यापार मंडल, हम सब जिस दिशा में जिस कार्यक्रम के लिए काम करते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। जनपद में त्रिस्तरीय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही आरक्षण को लेकर प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, BDC उम्मीदवारों द्वारा आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी, जिनका निवारण जल्द ही DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर की देखरेख में 24 व 25 मार्च को निस्तारित कर दिया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित विभागों पर यह सूची चस्पक भी कर दी जाएगी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, गोरखपुर में शासन के निर्देश के क्रम में 20 तारीख को और 21 तारीख को अनंतिम प्रकाशन किया गया था, जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और प्रमुख के पदों के आरक्षण के आवंटन की सूची जारी की गई थी। उसके बाद अगले 2 दिनों तक 22 और 23 को आपत्तियां मंगाई गई थी, जिन्हें भी जो भी प्रॉब्लम थी वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते थे। गोरखपुर जनपद में कुल 1256 आपत्तियां लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई, इसमें से ज़्यादातर आपत्तियाँ जो थी वो ग्राम प्रधान से संबंधित थी,
और कुछ आपत्तियां जिला पंचायत वार्ड और बीडीसी वार्ड और प्रमुख से भी संबंधित थी, पर ज़्यादातर आपत्तियां जो थी वो ग्राम पंचायत प्रधान पद से संबंधित थी। इन आपत्तियों का निस्तारण 24 तारीख और 25 तारीख को किया जा रहा है। कल भी आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। जो कुछ बची आपत्तियाँ आज थी उनको आज निस्तारित किया जा रहा है। इसको निस्तारित करके शाम तक आपत्तियों पर कमेटी के सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाएगा और आज रात तक सभी जो भी अंतिम प्रकाशन के लिए सूची तैयार होगी उस पर भी सभी सदस्यों का हस्ताक्षर करा करके कल दोपहर तक या सुबह तक इसका अंतिम प्रकाशन करके इसे मुख्य मुख्य स्थानों पे लाइक जिला पंचायत जो ये ऑफिस है उसके अलावा विकास भवन है, कलेक्ट्रेट है और जो ब्लॉक ऑफिस है उन सभी जगहों पे इसको चस्पा कर दिया जाएगा, साथ में मीडिया बंधुओं से भी शेयर कर दिया। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद मीना कुमारी मीना ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि डिफॉल्टर गेहूं के केंद्रों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान संभागीय अधिकारी गीडा CEO पवन अग्रवाल, AGM वित्त राजेश कुमार सिंह, DSO आनंद कुमार सिंह सहित संभागीय खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन फिर भी जैसे मुजफ्फरनगर में हमारे पास टारगेट 56 का था 48 हो पाए हैं और शामली में 34 का टारगेट था 26 खोलेंगे। बख्शीपुर स्थित उप विद्युत उपकेंद्र सहित अन्य केंद्रों पर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और अपनी विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। क्या हो गया अपना सैलरी अब देख रहा है सबका विवेक अब ने डिजी किलो सैलरी देख विवेक कुमार अवर अभियंता है ये आ रहा है। जी हमारा देखिए मीटर मीटर में क्या करवा जी हमारा देखिए संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। अभी मैं परसों गया था, माननीय मुख्यमंत्री से मिला भी था, सॉरी ऊर्जा मंत्री से, चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, नए जो CMD साहब आए पंकज कुमार से मुलाकात हुई। उन्होंने भी अपील किया कि आप जो आंदोलन किए हैं उसको स्थगित करिए और OTS चल रहा है, OTS में ही बैठकर हम लोग सभी जो मुद्दे आपके जेन्युइन हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, प्रोन्नत है, एक वेतन वृद्धि है, आमिलन है, जो हमारे डिस्काम के दूसरे डिस्काम में जनता जो हमारे कर्मचारी चले गए उनका ट्रांसफ़र है, कई बारे मुद्दे हैं, हम लोग बैठ कर वार्ता करेंगे और सभी मुद्दों को लेकर हम आप समीक्षा करेंगे, जो आपकी जेन्युइन मांगे हैं वो मानी जाएगी। तो हम इस कार्य करते हुए OTS में जनता का सेवा करते हुए हम आंदोलन को कर रहे हैं। जी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और 4 अप्रैल तक चलेगा और 5 अप्रैल को अगर हमारी सरकार चाहे प्रबंधन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो शक्ति भवन पर कार्मिक अनशन है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वार्ड संख्या 39 जटेपुर दक्षिणी रईस पुलिया के निकट बहने वाले गंदे और खतरनाक नाले की सफाई व उसको स्थायी रूप से ढकने को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे ने बताया। आज हम लोग वार्ड नंबर 39 में जो डॉन बास्को जो नाला बहता है उसको लेकर के हम लोग आए थे। वो बहुत ही गहरा नाला है और बहुत ही गंदा नाला है और विगत वर्षों में उसमें गिर करके 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो उसको लेकर के हम लोग आए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र उसकी साफ़ सफाई कर दी जाए जिससे कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी जो कि गोरखपुर में इतनी है उसके प्रकोप से बचा जा सके और उसमें गिर करके जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं आने वाले समय में लोग अपनी जान ना गंवाएं, इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उस नाले को ढक दिया जाए जिसमें नाले में कोई आगे से गिरे ना। दिग्विजयनाथ PG कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। वहीं अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसी भी संस्था में और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को निकालने का प्रयास किया जाता है। तो आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा है उसको निकाल पाएगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा और इस प्रतियोगिता के दौर में वो बच्चे अपने को कहीं स्थापित कर पाएंगे, यही उद्देश्य है। दिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साई प्रणाम। लुईस गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट विगत 20 मार्च से चल रहा था, जिसका गुरुवार को समापन लेविस बैडमिंटन एकेडमी धर्मपुर में हुआ। इस प्रतियोगिता में 10 से 19 वर्ष की उम्र के बालक बालिकाओं व मेंस एवं वेटरनेस के विभिन्न मैच खेले गए। इस अवसर पर सेंट पॉल स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर निर्मला चंद्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, चैंपियनशिप टूर्नामेंट हमारी 20 तारीख को प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्घाटन सांसद रवि शुक्ल जी, रवि किशन जी ने किया था। आज फाइनल है, समापन समारोह, और हमारा जो उद्देश्य था कि हम बच्चों को पूरा अवसर दें, तो गोरखपुर जनपद के अंडर 10, 13, 17 मेंस, वेटरन, सीनियर तीनों वर्गों में हम लोगों ने यह प्रतियोगिता कराई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। बच्चों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं एडीजी अखिल कुमार जी का पुरस्कार वितरण के लिए, और मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है, अगस्त में जब हम प्रकाश नारायण मेमोरियल स्टेट टूर्नामेंट कराएंगे तो हमारे ये गोरखपुर के बच्चे उसमें बेहतर अपनी प्रदर्शन खेल का प्रस्तुत करेंगे।